चलो बैग खरीदने चलते हैं, कशिश का बैग खरीदेंगे और फिर अगर तुम्हारे लिए मिले तो तुम्हारे लिए भी ले लेंगे। ठीक है। मैंने बाल बांध लिए हैं ऐसे। रिंग्स आपको कैसे लग रहे हैं आप मुझे जरूर बताना। ये स्टील वाली है, ए डी बना हुआ है, 10-20 सिल्वर कलर ही डाले हैं, निकलने लग गए, मेरा बहुत नुकसान हो गया। ये ब्रांड का ही है लेकिन अब वो रिटर्न नहीं ले रहे हैं जहाँ से मैं लेके आई थी, लॉस हो गया मेरा। तो फिर चलते हैं करोल बाग। इधर 2:22 हो रहे हैं गए, लेकिन पीछे आपको एक डब्बा दिख रहा होगा वो मैंने पैक कर लिया है। एक इंसान है जब वो जो बाहर खाना नहीं खाते हैं वो घर का ही खाना, उसने कुछ नहीं खाया, नवाज़ ने लिया था केला खाया था, तो बैंक वगैरह नहीं गए थे तो बहुत लेट हो गया, नहीं तो जल्दी आ जाते हम लोग। तो इसी चक्कर में खाना तो बना दिया था मैंने, आज सब्जियाँ भी ख़त्म हो गई, मंडे है और ट्यूजडे तक सारी सब्जियाँ ख़त्म हो जाती है, तो मैंने वो टमाटर और अंडा डाल के थोड़ी चटनी टाइप बना लिया था, घर पर पड़ा हुआ है। तो अभी दिस इज करोल बाग स्टार्टेड गाइस, पर हमने गाड़ी पार्क कर दी है और आज है मंडे, और मंडे को पता है यहाँ पे बाजार लग जाता है, शॉप्स क्लोज रहती है, लेकिन आजकल तो सारे शॉप सारे मार्केट के क्लोज नहीं रहते हैं, ओपन ही रहते हैं। देख लो तुम पसंद कर लो, नहीं तो और भी चीज दुकान है ना, चल जाए। अभी ठीक ही लग रहा है। Prefiero llamarme cuando quieres descubrir. Si me ves, si me ves, si me ves, con que no te esté vibrando el móvil. Si te vas un retorno, tú cambiaste el entorno. ¿Qué haces? सामान डालिएगा ना पूरा, पन्नी पन्नी डालने का कितना बड़ा लग रहा है, सामान डालिए, कपड़ों के लिए ले लेना तो महंगा नहीं, 290 तो बैग्स हमने ले लिए हैं गाइस, ये पीछे रखे हुए हैं बैग्स, कशिश ने भी ले लिया, पसंद का बैग मिला और नवाज को पसंद का बैग मिला, तो दोनों के पसंद के बैग्स मिल गए हैं। अभी 3:38 हो गए, 38 हो गया, 4 कशिश को ट्रायल क्लास दिलाने हैं, अभी हमें जाना है दीप मार्केट, तो देखते हैं पहुँचते हैं अगर सीधा दीप मार्केट ही चलते हैं यहाँ से, और इसको क्लासेस दिलवा के मम्मी फिर घर जाएंगे, वो हस्बैंड वॉशरूम गए हैं तब तक मैं 1-2 रील्स बना लेती हूँ। तो फ्रेंड्स अगर आप लोगों ने देखा नहीं होगा खालसा कॉलेज, ये देखिए ये है दिल्ली का खालसा कॉलेज, ये यहाँ का खालसा कॉलेज मेन रोड पे है, लेकिन ऐसे रोड पे नहीं होना चाहिए कॉलेज, नहीं थोड़ा सा आउट एरिया में होना चाहिए। ये देखो छोड़ यार मैं इसको नहीं लगा रही, ऐसा रहेगा ये। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं थोड़ा सा केक रस ले लूँ, केक रस 250 ग्राम दे देना और एक नारियल। तो यहाँ पर हम पहुँच गए थे कोचिंग सेंटर जहाँ पर कशिश के ट्रायल क्लासेस चल रहे हैं, उस वाले रूम में मैथ्स और साइंस का क्लास चल रहा है, ये 2 सब्जेक्ट ही देने हैं और बाकी सारे दीवार पे आपको दिख रहे हैं पिक्चर्स लगे हुए हैं बच्चों के। ये वाला कशिश लाई है बैग, इसमें कितने पॉकेट्स हैं दिखा दो, इसमें एक ही है, 3-4 चेन है और नवाज ने लिया है ये वाला बैग ब्लैक कलर का, एक आराम से 2-3-4-5-6 छोटे सामान लिया आज मैंने। ये देखिए मैंने 20 के ये वाले जो स्क्रंची बटरफ्लाई होते हैं ना ये वाले, अच्छा लग रहा था यार ये मुझे, मैं कॉलेज लाइफ में स्कूल लाइफ में मैंने बहुत लगाया ये वाला, एक पिंक कशिश को पसंद आया था और ब्लैक मैंने लिया क्योंकि ब्लैक हर ड्रेस में चल जाता है। ये वाला बंच ऑफ रबर बैंड्स क्योंकि स्कूल खुलने वाले हैं और स्कूल में ब्लैक अलाउड है और बाकी कुछ अलाउड नहीं है। ये टिक टॉक्स लिए हैं, टिक टिक बोले जाता है इसको कशिश, टिक टैक बोला जाता है ना, ये टिक टैक क्लिप्स लिए हैं और कशिश के स्कूल के लिए, और ये कशिश ने ये वाला क्लचर लिया है बड़े वाला पिंक कलर का। गाइस मैं बता दूं कि इसका प्राइस जो है 50 रुपीज का है और ये पूरा पत्ता पड़ा है 30 रुपीज का,
और ये 20 रुपीज का बंच है और ये ईच 20 रुपीज पड़े। कितने क्यूट है ना गाइस, 30 कह रहा था, मैंने 20 भी दिया, बहुत ही लाइट वेट है। ये है बहुत ही प्यारा सा, ये देखो मैं बेबी हेयर्स है ना, बेबी हेयर्स को अच्छे से वो पीछे बैक कर देगा। रमजान आने ही वाले हैं और रमजान के वाइब्स शुरू हो गए हैं। इतना अच्छा लग रहा है ना, सोच सोच के इतना अच्छा। बस कपड़े नहीं है, ये मेरे टी शर्ट इसने पहन रखा। खाने को मिलेगा ना खाना, इंटरेस्टेड मैं। और मुझे खाने को नहीं मिलेगा, हमारी बंद नहीं होती, इतने कपड़े है, लेकिन इसको मेरा ही टी शर्ट मिलता है। और रमजान के बारे में क्या कहूँ, इतना अच्छा लग रहा है ना। ये खुश है क्योंकि उसको भूखा रहना पसंद है, और नवाज खुश है क्योंकि उसको खाने को मिलेगा। और मुझे तो त्यौहार बहुत ज्यादा पसंद होता है क्योंकि मुझे अच्छा लगता है त्यौहार की तैयारी करना, कुछ बनाना, मतलब साथ में सेलिब्रेट करना बहुत ही अच्छा लगता है। आई थिंक सभी खुश होंगे, सबको रमजान बहुत पसंद है। और रमजान आने वाला रमजान आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो, और अच्छा से गुजर जाए हमारा ये रमजान बिना बीमारी के ना। और अच्छा खाएं, हेल्दी खाएं, ऑयली चीज़ें ज़्यादा ना खाएं। मम्मी का पेट बड़ा हो गया ना, इसीलिए मम्मी का पेट दिख रहा है। तो मिलते हैं रमजान ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।